कहते हैं कि सपना वो नहीं जो सोई आंखों से देखा जाए, सपना वो है जो आपको सोने ना दे। कुछ ऐसे ही सपने को अपनी मेहनत, लगन और कड़ी परिश्रम के साथ पूरा किया राजौरी शहर के साथ सटे एक गांव की रहने वाली जसमीत कौर ने। राजौरी शहर के साथ सटे दलोगड़ा क्षेत्र में आटा चक्की चलाने वाले रविंद्र सिंह की खुशी का उस वक्त ठिकाना नहीं रहा जब उन्हें सूचना मिली कि उनकी बेटी जसमीत कौर का चयन सेना की मेडिकल कोर में लेफ्टिनेंट पद पर हो गया है। इस सूचना के बाद परिवार को बधाई देने वालों का तो मानो तांता लग गया। जसमीत कौर ने कहा कि मेरा बचपन से ही सेना में भर्ती होने का सपना था। हमारे घर के पास सेना का शिविर है। जब मैं किसी महिला अधिकारी को आते जाते देखती थी तो मेरा भी मन करता था कि मैं भी सेना में अधिकारी बनकर देश की सेवा करूं। इस सपने को देखते हुए जसमीत कौर ने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद वह राज्य के स्वास्थ्य विभाग में नौकरी पर लग गई। लेकिन सेना में अधिकारी बनने का सपना जसमीत कौर के मन में पलता रहा। जसमीत कौर ने अपने काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखा। जनवरी महीने में जसमीत कौर ने सेना की मेडिकल कोर में लेफ्टिनेंट की परीक्षा दी। जसमीत कौर ने कहा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका चयन होगा, मगर जब जसमीत कौर को ईमेल के माध्यम से सूचना मिली कि उसका चयन बतौर लेफ्टिनेंट हो गया है, इस खबर को सुनकर तो मानो जसमीत कौर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सूचना मिलने के बाद परिवार में खुशी का माहौल है, बधाइयों का तांता लगा हुआ है, मेहनत रंग लाई और आखिरकार एक बेटी ने अपना, अपने माँ बाप और अपने शहर का नाम रोशन किया। जसमीत कौर के पिता रविंदर सिंह घर के पास ही एक आटा चक्की चलाते हैं। बताते हैं कि मैंने अपनी बेटी की पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसने जो कहा मैंने पूरा किया। रविंदर सिंह ने बड़े भावपूर्ण शब्दों में कहा कि गुरु महाराज की कृपा से उसने उस मुकाम को हासिल कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट न्यूज, जम्मू। ज्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा प्राउड और बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड महसूस कर रही हूँ मैं इस टाइम। तो क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो अपने हौसले बुलंद रखो। आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। अगर इंसान करना चाहे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं। फैमिली की तरफ से पूरा सपोर्ट रहा, मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा मेरी फैमिली को मेरे पे यकीन था कि हाँ तुम कुछ कर सकती हो, और वो मैंने कर दिखाया। मैं यही कहना चाहूँगी कि हर एक लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फाइनेंशियली भी और ऐसे भी अगर हम देखें इंडिपेंडेंट होना चाहिए लड़कियों को, क्योंकि आप अपनी एक अलग पहचान बनाइए। एक अलग पहचान बनाना लड़कियों के लिए ज़रूरी है, तभी आप अपने आप को बिल्ड कर पाएंगे और अपनी सोसाइटी में अपनी अपलिफ्टमेंट के लिए आप खुद ही जिम्मेवार हैं और वो कर सकते हैं आप। पेरेंट्स, यही कहूँगी कि सपोर्ट कीजिए अपने बच्चों को, फुल्ली सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हर एक माँ बाप को अपने बच्चे की काबिलियत का पता होता है। और अगर आपको पता है कि आपका बच्चा कुछ करना चाहता है, कुछ कर सकता है, तो आप उसको फुल हर्टली सपोर्ट कीजिए, विद फुल हर्ट आप अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए।